जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए हम लेकर के आते हैं डिफेंस सेक्टर की लेटेस्ट अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम एक ऐसे ड्रोन के बारे में बात करने वाले हैं जिसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया गया, और उसकी कैपेबिलिटी का सेलिब्रेशन उसको बनाने वाले देश से ज़्यादा किसी और देश के द्वारा किया गया। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बैरक्टर TB2 के बारे में। हम जानेंगे इसको लेकर के किए गए एक ऐसे दावे के बारे में जिसने इसकी पोल खोल के रख दी है। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं बैरक्टर TB2 के बारे में। दोस्तों, इस ड्रोन का नाम आपने सबसे पहले सुना होगा अर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में, जहां पर इस ड्रोन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया गया। और उसके बाद हाल ही में जो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वहां पर भी यूक्रेन के द्वारा इन ड्रोन का इस्तेमाल काफ़ी बड़ी संख्या में किया गया। बैरक्टर TB2 एक टैक्टिकल अनमैन एरियल व्हीकल है जो कि हमेशा सुर्खियों में बना रहा है, और इस समय तकरीबन 257 की संख्या में ये जो ड्रोन है ये अलग अलग देश जैसे कि तुर्की, कतर, यूक्रेन और अजरबैजान की सर्विस में इंडक्ट किए गए हैं। हालांकि रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि तुर्की के द्वारा ये जो बैरक्टर ड्रोन है ये यूक्रेन को काफी बड़ी संख्या में दिए गए हैं। इस अनमैन एयर व्हीकल को तुर्किश फर्म बेकर टेक्नोलॉजीज के द्वारा बनाया गया है, और ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी मेल कैटेगरी का ड्रोन है जो कि आर्म कॉन्फ्लिक्ट में काफी ज्यादा उपयोगी साबित होता है। हालांकि इसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनसेंस के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर इसका जो अधिक इस्तेमाल किया गया है वो अटैक रोल में ही किया गया है। हालांकि ये ड्रोन इतना ज़्यादा बहुचर्चित है तो जाहिर सी बात है कि ये काफ़ी खास भी होगा, और इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं, इसके जो फीचर्स हैं वो भी काफ़ी एडवांस होंगे। इसका जो ऑपरेशनल एल्टीट्यूड है वो 18,000 फीट का है, वही मैक्सिमम एल्टीट्यूड जो है वो 25,000 फीट का है। इंड्योरेंस टाइम की बात करें तो इसका जो मैक्सिमम इंड्योरेंस है वो 27 घंटों का है, और इसमें फुली ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को फीचर किया जाता है, और ट्रिपल रिडंडेंट जो ऑटो पायलट सिस्टम है वो भी इसके फीचर्स का एक अहम हिस्सा है। ये ड्रोन फुली ऑटोमेटिक लैंडिंग और टेक ऑफ जैसे फीचर्स के साथ में आता है, यानी ये बिना ग्राउंड सिस्टम्स के डिपेंडेंसी के आराम से टेक ऑफ भी कर सकता है और लैंड भी कर सकता है। इसमें अलग अलग प्रकार के नेविगेशनल और दूसरे जो इंटरनल सेंसर्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया है जो कि मिशंस को पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा सहयोग करते हैं। रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया जाता है कि बैरक्टर TB2 के द्वारा कुछ अविश्वसनीय रिकॉर्ड्स भी तोड़े गए हैं जो कि तुर्किश एविएशन हिस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। इस ड्रोन ने जो मैक्सिमम एंड्योरेंस अपना प्राप्त किया है वो 27 घंटे 3 मिनट का है, और इस दौरान ये ड्रोन 25,030 फीट की ऊंचाई पे उड़ान भर रहा था, और इसकी स्पीड थी 70 से लेकर के 120 नॉट की। अब अगर हम इस ड्रोन के पेलोड की बात करें तो इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो 150 किलोग्राम की है, जहां पर ये 4 लेजर गाइडेड स्मार्ट एमिनेशंस को कैरी करने में सक्षम है। इसके अलावा ये अलग अलग जो ISR पेलोड्स हैं जैसे कि स्विचेबल EO, IR या LD जो पेलोड्स हैं उनको कैरी कर सकता है, जो कि रिकॉनसेंस और दूसरे जो मिशन हैं खासकर सर्विलेंस मिशन उसमें काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं उस मुद्दे के बारे में जिसकी वजह से आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है कि आखिरकार रशिया ने इस ड्रोन को लेकर के ऐसा कौन सा कमेंट कर दिया है कि जब से वो कमेंट सामने आया है एकदम हलचल मच गई है डिफेंस इंडस्ट्री में, और हर कोई इस ड्रोन के बारे में अब जानने के लिए इच्छुक है। तो आइए जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं, रशिया यूक्रेन युद्ध इस समय काफ़ी रफ्तार के साथ चल रहा है, और इसमें दोनों पक्षों को बहुत ज़्यादा जो हानि है वो उठानी पड़ रही है। लेकिन जब से रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, बैरक्टर TB2 का नाम लगातार सुर्खियों में रहा है। एक तरफ यूक्रेन इस ड्रोन के बारे में काफ़ी कुछ कहता नजर आया है, तो दूसरी बात हमारा जो परम मित्र पाकिस्तान है वो भी ढिंढोरा पीट रहा है। और आप यकीन नहीं करेंगे, इतना इन दोनों देशों ने इसका प्रमोशन कर दिया जितना कि इसको बनाने वाले देश ने नहीं किया। हालांकि अगर हम यूक्रेन की बात माने तो यूक्रेन इसका इस्तेमाल बड़ी संख्या में कर रहा है, और खुद यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्टर ओलेस्की रेज़निकोव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जून तक जो यूक्रेन है उसको तकरीबन 50 की संख्या में ये जो अनमैन एयर व्हीकल्स हैं ये बेकर के द्वारा डिलीवर करी गई थी। लेकिन दूसरी रिपोर्ट से कहती हैं कि काफ़ी और भी संख्या में अलग अलग बैचेस में ये ड्रोन यूक्रेन को प्राप्त हुए, और जब से रशिया यूक्रेन इन्वेजन शुरू हुआ है या युद्ध शुरू हुआ है तो इन ड्रोन का इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा किया गया है। इनफैक्ट अगर 2021 की बात करें तो यूक्रेन के इंडिपेंडेंस डे की जो परेड थी उसमें भी ये ड्रोन स्पॉट किया गया था, इस ड्रोन को देखा गया था।
और अगर हम रशिया यूक्रेन युद्ध की पर्टिकुलर बात करें तो रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि कुछ ही दिनों में, यानी अगर हम बात करें इस युद्ध के शुरुआती 3 दिनों में, रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि इस ड्रोन के चलते रशियन मिलिट्री को $26.5 मिलियन के जो एसेट्स हैं वो गंवाने पड़े हैं। जी हाँ, $26.5 मिलियन के जो मिलिट्री एसेट्स हैं उनको इस ड्रोन ने सिर्फ 3 दिन के अंदर ही तबाह कर दिया था। शुरुआती दिनों में ये ड्रोन जितने ज्यादा इफेक्टिव थे उतने ही ज्यादा अब ये आसान टारगेट बनते जा रहे हैं रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट्स कह रही हैं। जून 2022 को एक रिपोर्ट सामने आती है जहां पर ये कहा जाता है कि यूक्रेन का जो पहला TB2 अनमैनेड व्हीकल है इसको रशिया के द्वारा मार गिराया जाता है और बकायदा कई प्रो रशियन और रशियन गवर्नमेंट अकाउंट के द्वारा जो फोटोज हैं और वीडियोस हैं वो प्रत्यक्ष के रूप में या यूं कह लें वो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं और ये कन्फर्म हो जाता है कि वाकई यूक्रेन ने अपने इस ड्रोन को गंवाया है। शुरुआती दिनों में जिस ड्रोन को लेकर के काफी ज्यादा यूक्रेन सेलिब्रेट कर रहा था अब वो रशिया के मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए एक आसान टारगेट बनते जा रहे हैं। 10 अप्रैल 2023 को रशियन मीडिया आउटलेट जिसका नाम TASS है, इनके रिपोर्ट्स में ये कहा जाता है कि अब तक रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स के द्वारा 100 से ज़्यादा जो बैरेक्टर TB2 ड्रोन्स हैं वो मार गिराए गए हैं जो कि यूक्रेन को सप्लाई किए गए थे और ये सब कुछ रशिया के जो काफ़ी इफेक्टिव मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके द्वारा किया गया है। रशिया का ये दावा है कि उनके जो अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं और लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनसे ये ड्रोन नहीं बच पा रहे हैं। इनफैक्ट उनका तो ये भी कहना है इससे पहले कि ये बैटलफील्ड में इंटर करें जहां से ये एयर डिफेंस सिस्टम्स की रेंज में आते हैं इनको वहीं मार के गिरा दिया जाता है। रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिप्लॉय किया गया है रशिया के द्वारा वो या तो इस ड्रोन की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको पूरी तरीके से डिसेबल कर देता है या फिर GPS सिग्नल्स को जैम कर देता है और ये ड्रोन पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाते हैं। ये दावा काफ़ी बड़ा है और रशिया ने इसको लेकर के अलग अलग जो साक्ष्य हैं वो भी प्रदर्शित किए हैं। तो ये काफ़ी बड़ा दावा है रशिया के द्वारा क्योंकि TB2 बैरेक्टर को लेकर के बहुत बड़े बड़े क्लेम किए गए हैं खुद बनाने वाले कंपनी और यूक्रेन के द्वारा। तो यहाँ पर अगर ये बात सच है तो वाकई यहाँ पर रशिया के जो मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो इस ड्रोन के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हुए हैं। एक और डिफेंस सिस्टम रशिया का जो कि काफ़ी ज़्यादा बहुचर्चित है और उसे ऑफिशियल ड्रोन किलर के नाम से भी अब जाना जाने लगा है वो है पैंसर। जी हाँ, पैंसर के नाम से जो एयर डिफेंस सिस्टम सामने आया है वो काफ़ी ज़्यादा घातक है और वो कितना घातक है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बैरेक्टर तो दूर की बात है। US के डिफेंस ऑफिशियल ने अपने जो कॉस्टली MQ-1C ग्रे ईगल ड्रोन्स हैं इनको भी यूक्रेन भेजने से मना कर दिया क्योंकि उनको इस चीज़ का डर है कि जैसे ही ये इस एयर डिफेंस सिस्टम के संपर्क में आएगा वो इसे मार के गिरा देगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।